फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है फेमस इंग्लिश पोइट जॉन ड्राइडन की एक और मजेदार पोयम अलेक्जेंडर्स फीस्ट यानी अलेक्जेंडर की दावत। इस पोयम का एक और टाइटल द पावर ऑफ म्यूजिक भी है, क्योंकि पोयम में म्यूजिक की पावर के बारे में भी बताया गया है। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग पोयम है और आज हम इसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट करेंगे। सो नाउ विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द पोयम। About the poem, it is an ode in honor of Saint Cecilia's Day written in 1697. ये poem एक ode है जो कि Saint Cecilia के सम्मान में 1697 में लिखी गई। Saint Cecilia ने music के कई नए instruments का आविष्कार किया था। दोस्तों, ओड एक lyric poem होती है जो कि किसी व्यक्ति या किसी event की तारीफ करने के लिए लिखी जाती है। It is divided into 7 stanzas and 180 lines dedicated to the power of music. इस पोएम को 7 स्टेंजा में डिवाइड किया गया है जिसमें टोटल 180 लाइंस हैं। पोएम में ग्रेट म्यूजिशियन टिमोथियस ने प्रत्येक स्टेंजा में अलग अलग टोन का यूज करते हुए म्यूजिक की पावर बताई है। इट इज़ अ पोएम अबाउट द एबिलिटी ऑफ म्यूजिक टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन इमोशन एंड बिहेवियर। ये पोएम म्यूजिक की एबिलिटी के बारे में है कि किस तरह म्यूजिक मनुष्य के इमोशन और बिहेवियर को प्रभावित करता है। दोस्तों, एक बार पोएम के बैकग्राउंड के बारे में शॉर्ट में आपको बता दूं कि जब अलेक्जेंडर ने पर्शिया के राजा पर्स पोलिस को हराकर पर्शिया पर अधिकार कर लिया तो वो बहुत खुश था, इसलिए उसने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की और कई फेमस लोगों को इनवाइट किया। इस पार्टी में ग्रेट म्यूजिशियन टिमोथियस भी आए और उन्होंने अलेक्जेंडर को खुश करने के लिए 5 टाइप के सॉन्ग परफॉर्म किए। फर्स्ट सॉन्ग में टिमोथियस अलेक्जेंडर की तारीफ करते हैं। सेकंड सॉन्ग में वो अलेक्जेंडर को युद्ध करने के लिए इनकरेज करते हैं। इसके बाद वे युद्ध और शराब के राजा बेकस के बारे में गीत गाते हैं और अलेक्जेंडर को शराब पीने के लिए इनकरेज करते हैं। थर्ड सॉन्ग में वो पर्सियन राजा डेरियस सेकंड की डेथ के बारे में बताते हैं जिससे अलेक्जेंडर दुखी होकर दया की भावना से भर जाता है। फोर्थ सॉन्ग में भी अलेक्जेंडर और उनकी प्रेमिका थाइस के प्यार के बारे में बताते हैं और साथ ही टिमोथियस थाइस की ब्यूटी की तारीफ भी करते हैं। पोएम के एंड में टिमोथियस और सिसिलिया के टैलेंट को कंपेयर किया जाता है। तो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की पोएम। इट वॉज एट द रॉयल फेस्ट फॉर पर्शिया वॉन बाय फिलिप्स वॉर लाइक सन। पोएम की शुरुआत में पोइट जॉन ड्राइडन बताते हैं कि फिलिप के बहादुर बेटे अलेक्जेंडर ने पर्शिया को जीत लिया है और इसी खुशी में शाही दावत चल रही है। रॉयल फिस्ट का मतलब होता है शाही दावत, वॉर लाइक यानी बहादुर। अलॉफ्ट इन ऑफुल स्टेट द गॉड लाइक हीरो सेट ऑन हिज इंपीरियल थ्रोन। और अलेक्जेंडर ऊंचे और शानदार दिखने वाले सिंहासन पर गॉड की तरह बैठा हुआ है। अलॉफ्ट का मतलब होता है ऊंचा, ऑफुल यानी शानदार, थ्रोन यानी सिंहासन। His valiant peers were placed around और उसके साथ युद्ध में लड़ने वाले सभी बहादुर सिपाही भी उसके चारों ओर बैठे हुए हैं। valiant का मतलब होता है बहादुर, peers यानी सिपाही। Their brows with roses and with martels bound so should desert in arms be crowned। इन सभी सिपाहियों के सिर पर रोज और मार्टल के फूलों का ताज है क्योंकि इन सभी के लिए शाही ताज की व्यवस्था करना संभव नहीं है। द लवली थाइस बाई साइड सेट लाइक अ ब्लूमिंग स्टन ब्राइड। और अलेक्जेंडर की साइड में उनकी रानी थाइस पूर्वी दुल्हन की तरह बैठी हुई हैं जो कि बहुत ही खुश हैं। इन फ्लावर ऑफ यूथ एंड ब्यूटीज प्राइड, थाइस अभी जवान है और उसे अपनी खूबसूरती पर गर्व है। हैप्पी 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 पेयर, अलेक्जेंडर और थाइस की जोड़ी बहुत खुश हैं। नन बट द ब्रेव, नन बट द ब्रेव, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। अलेक्जेंडर की तरह बहादुर कोई नहीं है, इसकी तरह बहादुर कोई नहीं है, ये बहुत ही बहादुर और निडर हैं, इसलिए ये थाइस जैसी खूबसूरत रानी डिजर्व करता है। दोस्तों, यहाँ पर फेयर थाइस के लिए यूज किया गया है। दोस्तों, ऑल ओवर फर्स्ट स्टेंजा में पोइट ने पोएम की सेटिंग के बारे में बताया है कि अलेक्जेंडर ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ है और उसके चारों ओर उसके सभी सिपाही बैठे हुए हैं और इसकी साइड में इसकी खूबसूरत रानी थाइस भी बैठी हुई है। ये कपल एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। टिमोथियस प्लेस्ड ऑन हाई अमिड द ट्यूनफुल क्वायर विद फ्लाइंग फिंगर्स टच द लायर। ग्रेट म्यूजिशियन टिमोथियस भी अलेक्जेंडर की सही दावत में आए हुए हैं और उन्हें भी बैठने के लिए उचित जगह दी गई है। वे सुरीले गाने के बीच में अपनी चंचल अंगुलियों से वीणा बजाते हैं। अमिड का मतलब होता है बीच में, ट्यूनफुल यानी सुरीला, क्वेर यानी सॉन्ग, फ्लाइंग यानी चंचल, लायर यानी वीणा। द ट्रेमलिंग नोट्स असेंड द स्काई एंड हेवनली जॉयज इंस्पायर।
और जब उसने अपनी चंचल अंगुलियों से वीणा को बजाया तो उससे म्यूजिक निकलकर ऊपर उठने लगा और वहाँ बैठे लोगों को स्वर्ग जैसी खुशियों का एहसास होने लगा। नोट्स का मतलब होता है म्यूजिक, असेंड यानी ऊपर, हेवनली जॉयज यानी स्वर्ग जैसी खुशियाँ। द सॉन्ग बिगेन फ्रॉम जो हु लेफ्ट हिज ब्लिसफुल सीट्स अबव। टिमोथियस ने अपने सॉन्ग की शुरुआत जुपिटर गॉड से की, जिन्होंने इस सॉन्ग से इम्प्रेस होकर स्वर्ग में अपने साई सिंहासन को छोड़ दिया। सच इज द पावर ऑफ माइटी लव, और यही शक्तिशाली प्यार की ताकत है। दोस्तों जो गॉड जुपिटर के लिए यूज किया गया है, ब्लिसफुल सीट्स यानी साई सिंहासन, अबोव यानी स्वर्ग, माइटी लव यानी शक्तिशाली प्यार। अ ड्रैगन्स फायरी फॉर्म बेलियर्ड द गॉड, इन्होंने एक गुस्सेल व्यक्ति का रूप धारण कर लिया। सब लैम ऑन रेडियन स्पायर ही रोड, और ये चमकीले शिखर पर सवार होकर स्वर्ग से धरती पर आ गए। ड्रैगन का मतलब होता है एक व्यक्ति, फायरी यानी गुस्सेल, रेडियन स्पायर यानी चमकीला शिखर। वेन ही टू फेयर ओलंपिया प्रेस्ट एंड वाइल इज शॉर्ट हर स्नोवी ब्रेस्ट, और जब यहाँ धरती पर उन्होंने खूबसूरत ओलंपिया के खूबसूरत ब्रेस्ट को देखा तो उसके प्यार में पड़ गए। शॉर्ट का मतलब होता है देखा। देन राउंड हर स्लेंडर वेस्ट ही कर्ल एंड स्टैप एन इमेज ऑफ हिमसेल्फ अ सोवेरियन ऑफ द वर्ल्ड, और वे उसकी पतली कमर से लिपट गए और उन्होंने इस दुनिया के शासक के लिए अलेक्जेंडर के रूप में अपनी छाप छोड़ दी। इट मीन्स जो और ओलंपिया के प्यार का रिजल्ट अलेक्जेंडर का जन्म है। स्लेंडर वेस्ट का मतलब होता है पतली कमर, कर्ल यानी लिपटना, सोवरेन यानी शासक। द लिसनिंग क्राउड एडमायर द लोफ्टी साउंड, और जब वहाँ बैठी भीड़ ने टिमोथियस के शानदार सॉन्ग को सुना तो वे इसकी तारीफ करने लगे। लोफ्टी का मतलब होता है शानदार। अ प्रेजेंट डेटी दे साउंड अराउंड, वे सभी चिल्लाने लगे कि हमारे बीच देवता के रूप में अलेक्जेंडर बैठा हुआ है। अ प्रेजेंट डेटी द वोल्टेड रूफ्स रिबाउंड, और उनकी आवाज गुम्बदाकार छत से टकराकर वापस आने लगी। डेटी का मतलब होता है देवता, वोल्टेड रूफ्स यानी गुम्बदाकार छत, रिबाउंड यानी वापस आना। विद रेविज्ड ईयर्स भीड़ के सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर इस सॉन्ग को सुन रहे हैं। द मोनार्च ईयर्स, और राजा अलेक्जेंडर भी इस सॉन्ग को सुन रहा है। एज्यूम्स द गॉड अफेक्ट्स टू नोड, वो अपनी गर्दन हिलाते हुए स्वीकार करता है कि हाँ वो एक गॉड जोव का बेटा है। एज्यूम का मतलब होता है स्वीकार करना, नोड यानी गर्दन हिलाना। एंड सिम्स टू सेक द स्पेयर्स, और इन लोगों के चिल्लाने से ऐसा लग रहा है जैसे कि धरती हिल रही है। शेक का मतलब होता है हिलना, स्पेयर्स यानी धरती। दोस्तों ऑल ओवर सेकंड स्ट्रेंजा में पोइट ने टिमोथियस के सॉन्ग की पावर को बताया है कि उनके सॉन्ग को सुनकर गॉड जुपिटर भी धरती पर आ गए और वे ओलंपिया के प्यार में पड़ गए, और अलेक्जेंडर का जन्म इन दोनों के प्यार की देन है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि टिमोथियस और अलेक्जेंडर दोनों एक ही टाइमलाइन में जिंदा नहीं थे, लेकिन पोइट जॉन ड्राइडन ने पोएम को इम्प्रेसिव बनाने के लिए टिमोथियस को पोएम में सेट किया है। द प्रेज ऑफ बेकस देन द स्वीट म्यूजिशियन संग, इसके बाद ग्रेट म्यूजिशियन टिमोथियस ने बेकस की तारीफ करते हुए एक सॉन्ग गाया। दोस्तों बेकस खुशी और शराब के देवता हैं। ऑफ बेकस एवर फेयर एंड एवर यंग, बेकस हमेशा सुंदर दिखने वाले, हमेशा यंग दिखने वाले देवता हैं। द जोली गॉड इन ट्रैम्प कम्स साउंड द ट्रम्पेट्स बीट द ड्रम्स, और ये खुशी के देवता अलेक्जेंडर के पर्शिया जीतने की खुशी में ट्रम्पेट और ढोल की आवाज़ के साथ आते हैं। जोली गॉड का मतलब होता है खुशी के देवता, ट्रम्पेट और ड्रम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फ्लश्ड विद अ पर्पल ग्रास ही शोज हिज ऑनेस्ट फेस, और जब बेकस आता है तो वो पर्पल ग्रेस से चमकता है और अपने ऑनेस्ट फेस को दिखाता है। फ्लश का मतलब होता है चमकना। नाउ गिव द हॉट बॉयज ब्रेथ ही कम्स ही कम्स, आगे टिमोथियस कहते हैं कि शहनाए बाजा बजाओ, वह आ रहा है, बेकस आ रहा है। हॉट बॉय का मतलब होता है शहनाए बाजा। बेकस एवर फेयर एवर यंग, वही बेकस देवता जो हमेशा सुंदर और यंग दिखते हैं। ड्रिंकिंग जॉयज डिड फर्स्ट ओडेन, और फिर शराब पीने का ऑर्डर दिया गया। ओडेन का मतलब होता है आदेश देना। बेकस ब्लेसिंग्स आर अ ट्रेजर, बेकस का आशीर्वाद खजाने की तरह है। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। ड्रिंकिंग इज द सोल्जर्स प्लेजर, और शराब पीना तो सोल्जर्स के लिए आनंद है। रिच द ट्रेजर, बेकस का खजाना बहुत ही विशाल है। स्वीट द प्लेजर, और इस खजाने से मिलने वाला आनंद बहुत ही स्वीट है। इट मीन्स शराब से मिलने वाली खुशी बहुत ही स्वीट है। स्वीट इज प्लेजर आफ्टर पेन,
दर्द के बाद मिलने वाली खुशी बहुत ही स्वीट होती है। इट मीन्स जब युद्ध के दौरान जो सोल्जर्स घायल हो गए थे उन्हें बहुत ही दर्द हो रहा था, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वे युद्ध जीत चुके हैं तो वे बहुत खुश होते हैं। यानी उन्हें पहले दर्द मिला और फिर खुशी मिली, जो कि बहुत ही स्वीट है। दोस्तों, ऑल ओवर थर्ड स्टेंजा में म्यूजिशियन टिमोथियस ने खुशी और शराब के देवता बेकस की तारीफ की है, जो कि हमेशा सुंदर और यंग दिखते हैं। वे ट्रम्पेट और ढोल की आवाज़ के साथ धरती पर आते हैं और लोगों को अपना आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, ये पोएम थोड़ी बड़ी है और इसे एक वीडियो में कंप्लीट कर पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम इसे दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पोएम को अच्छी तरह से समझने के लिए इसका सेकंड पार्ट जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।